नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का KM पंख चैनल पे। और इस वीडियो पे हम बात करेंगे भारतीय टीम के अगले दौरे के बारे में। अगला दौरा होगा वेस्ट इंडीज का दौरा, जहां पे दो टेस्ट मुकाबले खेले जाएंगे, तीन वनडे मुकाबले और साथ ही साथ पांच T20 इंटरनेशनल मुकाबले भी खेले जाएंगे। तो 12 जुलाई से शुरुआत होगी भारतीय क्रिकेट की, जो कि एक मंथ के लगभग अंतराल के बाद शुरू हो रही है। WTC में हार के बाद अब भारतीय टीम जाएगी वेस्ट इंडीज। और दोस्तों, अभी अभी भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है, और यह घोषणा है भारतीय टेस्ट टीम की और भारतीय वनडे टीम की। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बता देता हूं किस किस खिलाड़ियों का चयन हुआ है इस दौरे के लिए। तो बात करते हैं भारत के टेस्ट स्क्वाड के बारे में। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और इन्हें उप कप्तान बना दिया गया है। साथ ही ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल भी आपको दिखेंगे इस टीम में। विकेट कीपर के रूप में KS भरत और ईशान किशन दोनों को ही एक और मौका मिला है। साथ है रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जयदेव उनादकट और नवदीप सैनी। तो यहां पर जो चौंकाने वाला नाम है वो ये है कि चेतेश्वर पुजारा और उमेश यादव को ड्रॉप कर दिया गया है। चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने हाल में ही अपना 100वां टेस्ट मुकाबला खेला था, उन्हें अब टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। वहीं अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना दिया गया है। साथ ही साथ ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल को इस स्क्वाड का हिस्सा बना दिया गया है। इसका मतलब है कि ऋतुराज गायकवाड़ या फिर यशस्वी जायसवाल में से कोई एक बल्लेबाज नंबर 3 पे आपको बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट मुकाबले पे दिखने वाले हैं। तो चलिए, और अब हम बात करेंगे वनडे के स्क्वाड के बारे में। तो क्या है वनडे का स्क्वाड, वो भी सुन लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं भारत के वनडे स्क्वाड के बारे में। तो इस स्क्वाड में है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन का नाम इस सूची में है, ईशान किशन भी विकेटकीपर के रूप में मौजूद है, हार्दिक पांड्या जो कि इस टीम के उपकप्तान हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, जयदेव उनादकट, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और मुकेश कुमार। तो दोनों ही स्क्वाड से मोहम्मद शमी को आराम दिया गया है, और साथ ही साथ उमरान मलिक की वापसी हमें वनडे स्क्वाड पे होती हुई दिख रही है। टीम में यूजी चहल, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के साथ रविंद्र जडेजा टीम में शामिल है, और वनडे की टीम में रविचंद्रन अश्विन का नाम नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ यहां पे हमें मुकेश कुमार का नाम दिख रहा है, और जयदेव उनादकट बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को वनडे स्क्वाड में भी शामिल कर लिया गया है। तो ये थी दोस्तों भारत की टेस्ट और वनडे की स्क्वाड। तो चलिए दोस्तों, हम आशा करेंगे कि भारतीय टीम का यह दौरा काफी सफल दौरा हो, और उसके बाद एशिया कप, वर्ल्ड कप पे भी भारत बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ दिखे। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।